मध्य प्रदेश के 8 जिलों में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का हुआ आगाज। उमरिया से कलेक्टर एवं विधायक ने फाइलेरिया की दवा खाकर इस अभियान की शुरुआत की है। 10 से 13 तक स्कूलों एवं कॉलेजों में जाकर खिलाई जाएगी दवा। 15 से 23 तक डोर टू डोर जाकर खिलाई जाएगी दवा। उमरिया जिले में 16 मरीज चिन्हित हैं। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत उमरिया जिला मुख्यालय के अंतर्गत सामुदायिक भवन में इस अभियान का आगाज किया जाएगा, जिसमें बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह, उमरिया कलेक्टर बुद्धेश वैद ने फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत दवा सेवन कर इस अभियान का आगाज किया है। हम आपको बता दें कि उमरिया जिले में 16 मरीज फाइलेरिया के चिन्हित हुए हैं। उमरिया जिले सहित संपूर्ण प्रदेश फाइलेरिया से मुक्त दिलाने के लिए 10 फरवरी से इस विशेष अभियान की शुरुआत की गई है, जो 23 फरवरी तक निरंतर जारी रहेगा। इस अभियान के तहत 10 से 12 13 को स्कूल कॉलेजों में जाकर फाइलेरिया की दवा खिलाई जा रही है और 14 तारीख से डोर टू डोर जाकर दवा खिलाई जाएगी। आज उमरिया जिले में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का शुभारंभ हुआ है। इसमें 2 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं उन सबको फाइलेरिया उन्मूलन की दवाएं खानी है। इन्हें निरंतर 5 साल तक खाना है। जो जिला है इस अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा और सभी लोग जो है ये डोजेज जो है इन दवाओं के निश्चित रूप से लेंगे। समाज स्वस्थ रहे, नगर के गांव के सभी हमारे नागरिक स्वस्थ रहे, उसकी चिंता भारत सरकार लगातार कर रही है और प्रदेश सरकार भी लगातार कर रही है। जो भी हमारी गंभीर बीमारियां हैं जैसे टीबी, हमारी ये हाथी पांव, कुल मिलाकर सरकार का उद्देश्य है कि समाज के अंदर इस तरह की जो बीमारियां हैं इसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए आज मध्य प्रदेश सरकार ने 10 फरवरी से 23 फरवरी तक फाइलेरिया गोली हर घर में हर लोगों को खिलाए जाने का अभियान प्रारंभ हुआ है। तो उमरिया जिले के सामुदायिक भवन से आज हम सब ने जो भी मंच में थे सब ने गोली खाई और जो मंच के सामने थे, चाहे हमारे मीडिया वाले हों, चाहे जो हमारे आम नागरिक हों, हमारे पढ़ने वाले भैया बहन हों, सभी ने एक साथ गोली फाइलेरिया की खाई है और सभी ने संकल्प लिया है कि समाज से इस बीमारी को हटा देना है, समाज को इस बीमारी से मुक्त बना देना है। ऐसा संकल्प सभी लोगों ने खाया है, उसी का कार्यक्रम में मैं इस प्रोग्राम के बारे में हल्का सा आपको बताना चाहूँगा। चूँकि हाथी पांव आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक लाइलाज बीमारी है, इसका एक ही बचाव है हम इस दवाई का, जिसमें ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ चलता है, जिसमें DEC अल्बेंडाजॉल और आइवरमेक्टिन की टेबलेट हम लोग उम्र और ऊँचाई के अनुसार लोगों को खिलाते हैं। ये दवाई आपको बताना चाहूँगा, यदि हम लगातार 5 साल तक इसका सेवन, साल में एक बार 5 साल तक सेवन कर रहे हैं, तो हमें भविष्य में फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी होने के चांसेस नहीं होते हैं। इन दवाई किसको नहीं खिलानी है, उसके लिए 2 साल से जो DEC की टैबलेट है वो 2 साल, DEC और अल्बेंडाजॉल की टैबलेट 2 साल से कम के बच्चों को नहीं खिलानी है, गर्भवती माताओं को नहीं खिलानी है और जो गंभीर रूप से ग्रसित बीमारी से ग्रसित हैं, बेड रिडन पेशेंट हैं, जिनका अब लगभग आखिरी दिन अपने गिन रहे हैं, उनको ये दवाई नहीं देनी है। आइवरमेक्टिन की हाइट के हिसाब से टैबलेट खिलाई जानी है। इसका जो नाम है वो है सामूहिक समक्ष दवा सेवन है। यदि हम स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सामने ही हम दवाई खिलाएंगे इसको, हम दवाई किसी को घर ले जाने के लिए या किसी को शाम को खाने के लिए नहीं देंगे। स्वास्थ्य कार्यकर्ता यदि एक बार घर में कोई नहीं मिलता है तो दूसरी बार उसके यहाँ विजिट करेगी। जैसे पहले 3 दिन हम बूथ एक्टिविटी करेंगे, जिसमें हम स्कूल कॉलेजेस और ईंट भट्टा वगैरह यहाँ पे हम कैंप लगाएंगे, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता रहेंगे दवाई के साथ जो दवाई खिलाएंगे। अगले